हमने मृत्यु की बात करी हमने कलयुग की बात करी हमने ये भी बात करी कि भक्ति से कलयुग में बहुत फायदे हो सकते हैं आपको जी uh, जो वीडियो ये देख रहे हैं जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है सपोज uh, कोई एक यंग जनरेशन का है बीस बाईस साल का कोई व्यक्ति है उसको आप क्या सलाह देंगे कि वो भक्ति कहाँ से शुरू कर सकता है कि भक्ति शुरू करने के लिए ना आपको बहुत कुछ नहीं बदलना या बहुत कुछ छोड़ना नहीं है मुझे लगता है कि जब व्यक्ति को एक ऐसी चीज़ पकड़ लेता ना बड़ी चीज़ तो छोटी चीज़ उसे छोड़नी नहीं पड़ती ऑटोमेटिकली छूट जाती मान लीजिए मैं एक महीने का पाँच दस हज़ार का कोई ठेला लगाता हूँ और मुझे करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो मुझे वो ठेला छोड़ना नहीं पड़ेगा मेरे पास बड़ा जब सिस्टम आया तो वो अपने आप छूट जाएगा अभी जो यंग जनरेशन है उसने जिस चीज़ को पकड़ रखा है उनको लगता है कि शायद मैं क्लब जाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी मिलती भी है पर बहुत ही चंद घंटों की चंद मिनटों की और जैसे ही वो घर आते घर आते ही फिर वो अंधकार में डूब जाते लेकिन अगर उनको ये पता लग जाए कि जितना सुख आप वहाँ देख रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा सुख और आनंद है अध्यात्म भगवान के नाम में और वो अगर उनको मिल जाएगा तो धीरे धीरे उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे आज का जो यूथ है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तो उसको बचपन से धर्म का नॉलेज नहीं दिया जाता जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है जब तक वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को पकड़ चुका होता है तब उसको समझाया जाता है कि भैया तेरे जीवन में धर्म भी ज़रूरी है और तब तक ट्रैक छूट चुका होता है तो इसके लिए पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो बच्चे को बचपन से अध्यात्म की वैल्यू समझाना है अभी हमको भौतिकता की वैल्यू पता है मटेरियल चीज़ों की गाड़ी की आईफोन्स की इनकी वैल्यू पता है यही वैल्यू अगर बचपन से हम उनको अध्यात्म की बता देंगे तो अपने आप को उस तरफ अट्रैक्ट होंगे तो पढ़ाई हो या उनका करियर चुनना हो उनको धर्म से जोड़िए बचपन में घर में उनको कथा सत्संग से सुनाइए परिवार बैठ के थोड़ी देर कोई अच्छी भगवत गीता उठा के पढ़ लीजिए पूरा परिवार बैठ कर के उसके बारे में बातें करिए ये चीज़ें जब बचपन से बीज उनके भीतर डल जाएगा तब फिर वो अपना रास्ता भटकेंगे नहीं उनको समझ आएगा कि धर्म जीवन में ज़रूरी है और ये मेरे जीवन में एक अच्छे पॉजिटिव वे में आना चाहिए यूथ को अपनी दिनचर्या को अपना जो रेगुलर सिस्टम है उसको ठीक करना चाहिए मतलब आप दिन में कब सो रहे हो कब जाग रहे हो आप सोने के समय जाग रहे हो आप जागने के समय सोते हो और फिर आप कहते हो मेरा माइंड डिस्टर्ब क्यों है माइंड डिस्टर्ब इसलिए क्योंकि आपने सारे सिस्टम को बैक कर दिया एकदम उलट पुलट कर दिया तो अगर आप अध्यात्म शुरू करना चाहते हो तो पहली चीज खाना और देखना इन दोनों चीज़ों को सही करने से आप शुरुआत कर सकते हो कुछ गलत मत खाइए सात्विक चीजें खाइए और देखना देखने में भी जब तक आप सात्विक चीजें नहीं देखेंगे तब आपके भीतर क्या जा रहा है आपके कानों से क्या जा रहा है वो सब आप पर आपके थॉट्स पर आपके विचारों पर पूरा इम्पैक्ट करता है तो खाने से अपनी दिनचर्या को ठीक करने से आप धर्म की शुरुआत कर सकते सो so, हम यहाँ पर अपना ये सेगमेंट खत्म करते हैं चित्रलेखा जी हमारी कम्युनिटी इंस्टाग्राम कम्युनिटी में हमने ये डाला था कि चित्रलेखा जी आ रही हैं आपके क्या क्या प्रश्न हैं तो आप जो उनसे पूछना चाहते हैं तो एक एक मिनट में आप शॉर्ट में इसका आंसर करिए लोगों ने अपने डेली लाइफ से जो क्वेश्चन हैं वो पूछें है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्रत कैसे रखें और व्रत में क्या क्या गलतियाँ ना करें देखो व्रत अगर आप केवल खाने वाले व्रत की बात कर रहे हैं तो उस व्रत में कोई भी व्रत आप रखते हैं उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए अन्न में उस दिन पाप का वास होता है और दूसरा व्रत का मतलब केवल खाना नहीं होता है व्रत का मतलब है कि आप बुराइयों से दूर रहें अगर आप व्रत रख रहे हो और आप केवल खा भर नहीं रहे हो और बाकी सब उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हो तो वो व्रत मायने नहीं रखता है उपवास का मतलब होता वास उप भगवान के पास रहना भगवान के नजदीक रहना तो ये करिए कि आप उस दिन और दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा अपना धर्म और अपना भजन बढ़ा दीजिए अपना सत्संग बढ़ा दीजिए वो आपका असल में व्रत होगा घर में तुलसी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए या तुलसी का क्या महत्व होता है बिल्कुल रखनी चाहिए कोई भी एक घर कितना सात्विक है ये इस पर निर्भर करता है कि उसके आंगन में तुलसी है या नहीं है जब हनुमान जी गए थे लंका में तो उन्होंने विभीषण का घर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो जानते भी नहीं थे बस उनको ये पता था आंगन में तुलसी है मतलब कोई सात्विक व्यक्ति है तुलसी का मतलब होता है सात्विकता इससे हमारे साइंटिफिक रीजंस भी बहुत है साइंटिफिक अगर आप तुलसी अपने घर रखते हो तो और आपका जो घर का एन्वायरमेंट है वो पवित्र रहता है और घर में आज भारतीय हम भारत में जीते सनातन धर्मी ही है हर घर में भगवान को भोग तो लगता ही है बिना तुलसी भगवान स्वीकार करते नहीं तो तुलसी का होना घर में सबके लिए जरूरी है सबको आंगन में तुलसी रखनी चाहिए घर की तुलसी बार बार सूख जाती है तो क्या करना चाहिए उसके लिए आपको देखिए तुलसी बहुत ही एक बहुत सेंसिटिव पौधा होता है उसके लिए आपको उसका थोड़ा मौसम देखना पड़ता है आप धूप में कब उनको रख सकते हैं अगर ठंडी का समय है तो आपको अंदर रखना पड़ेगा उनको थोड़ा सा कवर करके रखना पड़ेगा और एक विशेष चीज़ अगर आप धर्म से जुड़ी बात पूछ रहे हैं तो अगर आप तुलसी को अच्छा रखना चाहते हो कभी आप वृंदावन जाते हो तो वहाँ से थोड़ा ब्रज की वृंदावन की माटी लाइए और यमुना जी का जल लाइए वो दो चीज आपको अपनी तुलसी में जरूर डाल के रखना चाहिए उससे क्या होगा दो चीज होगी तुलसी महारानी को ब्रज बहुत पसंद है क्योंकि वृंदावन वृंदा से ही नाम पड़ा वृंदा तुलसी जी का नाम है तो उन उनसे वो खुश रहेंगी और दूसरा आपके घर में भी ब्रज का वास होगा वृंदावन का वास होगा क्योंकि वृंदावन की माटी और वृंदावन का जल है पूजा करते समय क्या अगरबत्ती जला सकते हैं हाँ बिल्कुल जला सकते हैं तो क्योंकि हमारे अभी कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें ये कहा कि वो बांस से बनती है जी और बांस नहीं जलाना चाहिए नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हमारे अगरबत्ती धूपबत्ती दीप ये तो अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र तो हर जगह ये लिखा हुआ आता है तो ऐसा कुछ नहीं हाँ थोड़ा हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो उसका थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होता है उसमें आप बस इतना कर सकते कि आप पूजा करके अगरबत्ती को घर के बाहर थोड़ा जहाँ तुलसी हो वहाँ लगा सकते ताकि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो घर में पूजा करने और मंदिर में पूजा करने में फ़र्क क्या होता है या किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए देखिए घर के भगवान तो हमारे अपने भगवान है अपने भगवान के साथ हम अपने जैसा व्यवहार करते कभी कोई गलतियां भी हो जाती है क्योंकि घर में जो भगवान होते विशेषकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई होती है मंदिर के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है प्राण प्रतिष्ठा में फिर आपको नियम बहुत पालन करने पड़ते हैं इसलिए वहाँ स्पेशल एक पुजारी जी होते हैं जो टाइम टू टाइम हर विधि विधान का ध्यान रखते घर में आपके ठाकुर अपने जैसे कभी मन किया उनको आपने जो आप खा रहे वो खिला दिया कुछ अच्छा पहनाने का मन किया वो पहना दिया ये डिफ्रेंस और दूसरा हाँ मंदिर की जो एनवायरमेंट होती है उसमें और घर में थोड़ा फर्क इसलिए होता है क्योंकि घर में आप अकेले पूजा कर रहे हैं। और मंदिर में हजारों लोगों की पूजा एक साथ एक ही स्थान पर हुई है इसलिए उस स्थान का महत्व घर से थोड़ा ज़्यादा होता है जो लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है हवा तो सब जगह है लेकिन उस हवा को एक टायर में भरने के लिए आपको एक स्पेशल दुकान पर जाना पड़ता है तो वैसे ही भगवान सब जगह है लेकिन अगर विशेषता से अगर आपको भगवान को ध्यान करना भजना है, तो उसके लिए मंदिर हो है। तिलक लगाना क्यों जरूरी है क्योंकि ये पहचान है हम भगवान के हैं एक आ, पुलिस वाले का यूनिफॉर्म होता है एक आर्मी वाले का यूनिफॉर्म होता है स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ये हमारी यूनिफॉर्म है कि हम भगवान के हैं भगवान के भक्त होने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है और वो देख करके मैं हमेशा कहती हूँ तिलक आपको गलत चीज़ों से रोकता है अगर मेरे माथे पे तिलक है तो मैं क्लब नहीं जाऊंगी वहां लोग भी मुझे टेढ़ी नजरों से देखेंगे माथे पे चंदन लगा और देखो कहाँ खड़ी है शराब के कहीं उस पर मैं खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ये चंदन कहेगा नहीं इसकी इज्जत रखो तो ये तिलक जो है आपको गलत चीज़ों से रोकता है और दूसरे इसके साइंटिफिक भी बहुत रीजन है माथे पर आपकी शीतलता आजकल इंसान का सबसे ज्यादा ये दिमाग ही गर्म रहता है तो इस पर अगर चंदन थोड़ा सा रहेगा चंदन शमहत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा शास्त्रीय प्रमाण है कि चंदन लगाने से लक्ष्मी का भक्ति का वास होता है अकाल मृत्यु कभी भी एक्सीडेंट हो गया अकाल मृत्यु उसका हरण हो जाता है तो इसलिए चंदन बहुत आवश्यक है आजकल के मॉडर्न परिवेश में क्या मंगल सूत्र पहनना जरूरी है यह निर्भर करता है आपकी अपनी इच्छा पर अपने विचार पर मंगल सूत्र किसी शास्त्रीय विधा का हमारा कोई परंपरा का वो नहीं अगर आप देखेंगे पूर्व परंपरा में भी तो वहां उस परंपरा में ये मंगल सूत्र की रीति नहीं थी वहाँ पर सूत्र बांधा जाता था ये तो आजकल का ट्रेंड धीरे 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 आगे बढ़ा हमने उसको बना लिया लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है इसका हाँ माथे पर जो एक सौभाग्यवती महिला होती है माथे पर थोड़ा कुमकुम -कुम लगाती है मांग में थोड़ा कुमकुम -कुम लगाती है वो विधान शुरू से हमारी परंपरा में रहा है लेकिन ये मंगल सूत्र का ट्रेंड अभी बाद में आया है ये अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे तो ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है आपको अच्छा लगता है तो आप पहन सकते हैं घर में शिवलिंग रख सकते हैं जी छोटे रूप में उसका जैसे हर मूर्ति का एक रहता है कि आप बारह फीट से ज्यादा बड़ी मूर्ति अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि फिर आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी होती है अन्यथा अगर आप छोटे रूप में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आप घर में रख सकते हैं घर का जैसे बाहर का मेन गेट होता है लोग उसमें भगवान वाली टाइल लगा देते हैं या छोटी भगवान की फोटो लगा देते हैं घर के बाहर में ऐसा एज अ शो पीस क्या ये चीज करनी चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं भगवान कोई शो पीस का, काम नहीं करते हैं भगवान की मूर्ति इवन भगवान का नाम भगवान का नाम भी अगर आप कहीं लिख रहे हो जैसे हम राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखते हैं तो वो कहीं ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े जहाँ लोग चप्पलें ना उतारते हो क्योंकि नाम में और भगवान में अंतर नहीं है तो भगवान की मूर्ति भी अगर आप कहीं लगा रहे हो तो उसको बहुत सोच समझ के पवित्र जगह पर लगाइए घर में लगा सकते हैं घर में ऐसी जगह लगाइए जहाँ किसी के गंदे पाँव ना पड़ते हो हाथ ना लगते हो गंदे तो नहीं तो फिर आप अपराध कमाएंगे और इसके लिए आपको पाप का भागी बनना पड़ता है हम राधे-राधे क्यों बोलते हैं कृष्ण-कृष्ण क्यों नहीं बोलते ये तो सबसे डीप क्वेश्चन है <laughs> क्योंकि इस पर घंटों भर बातें हो सकती है राधा तत्व ही ऐसा है कृष्ण बोलते ऐसा नहीं है लेकिन राधा रानी के नाम में एक मिठास है क्योंकि कृष्ण भी जिसका नाम भजते हो तो कोई तो उस नाम में बात होगी राधा रानी का नाम अगर कृष्ण रोते रोते राधा राधा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो नाम मिश्री से भी मीठा है तो राधा तत्व बहुत गहरा तत्व है बहुत सारे लोग नहीं समझते उनको लगता है राधा मतलब कृष्ण की प्रेमिका कृष्ण की प्रेमिका नहीं है राधा रानी कृष्ण ही है कोई भेद नहीं अंतर नहीं है दोनों में लेकिन जैसे कभी कभी क्लास बढ़ती है जो लोग कृष्ण को भज रहे हैं वो बहुत ऊंची क्लास में लेकिन जब उनसे भी ऊपर जब उनका प्रमोशन होता है तब वो जाके राधा रानी तक पहुंचते हैं और जिस वृंदावन में हम रहते हैं जिस ब्रज में हम रहते हैं वो धाम राधा रानी का है तो वहाँ जो जाएगा वही जाएगा जो राधे राधे बोलेगा या राधा रानी जिसको बुलाएंगी और आम तौर पर भी अगर आपसे कहा जाए कि दो मिनट के लिए आंख बंद करके राधा 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 राधा, राधा बोलिए तो उससे आपके भीतर आप देखोगे कुछ आ, कुछ कंपन जैसा होने लगता आंख से आंसू आने लगते क्योंकि वो नाम की शक्ति है वो राधा नाम की शक्ति है पर इसको समझने के लिए सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शास्त्र पढ़िए राधा रानी के तत्व को समझिए या कोई अच्छा महापुरुष हो जो ब्रज से हो राधा रानी के बारे में जानता हो उनसे सुनिए कौन थी राधा तब आप नाम लेंगे तो आपको और आनंद आएगा